आप सब लोगों को और एक नए ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम सबीत और आप सब लोग देख रहे हैं बिग विलेज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 8 बज रहा है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ आप लोग ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है अपनी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं मेला दिखाऊँगा। मेला लगता है हम लोग का गाँव में नहीं, जो आप लोगों को पहले दिन दिखाया था ना हाट, जो मंगलगिरी का हाट वो लगता है और उधर ही मेला लगता है, क्योंकि वो मेला लगने का एक कारण है और वो कारण है जो शिवरात्रा होता है उसी खुशी में उधर मेला लगता है फ्रेंड्स। और वो बहुत पुराना मेला है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से चले आ रहा है अपना परंपरा से। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वो मेला, चलो फिर मेरे साथ देखते रहो। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताओ फिर, कोई रीज़न ही नहीं है। मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ ना, मेहनत सब कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ बराबर से। और आप लोग मुझे सपोर्ट करो यार, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। चलो फिर मैं आप लोगों को मेला दिखाता हूँ और वो पूरा दिखाने का भरपूर कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। चलो फिर मेरे साथ देखते रहो और लेट्स गो। इसमें और आयुष अभी मेला जा रहा हो और मेला जाने के लिए आयुष बहुत जिद पकड़ लिया है और मेला जाने के लिए हम लोग निकल गए फ्रेंड्स। चलो फिर मेरे साथ आप लोग, तक अभी आयुष बहुत खुशी है क्योंकि उसको मेला लेके जा रहा हो ना, इसीलिए हर वो दिखा रहा है कि इधर ये दिखे दिखे। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं मेला, और शिवरात्रि का मेला है हम लोग अभी साइकिल से जा रहा हूँ, देखो अभी साइकिल पे ही है। चलो फिर मेला जाके हम लोग से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग अभी मेला आ गया हो क्योंकि ये मंगलगिरी के जो हाट दिखाए थे ना आप लोगों को, उधर ही है, उधर ही मेला बैठता है। और देखो, और आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ उधर मेले पे। सामने बहुत बच्चे लोगों के लिए झूलना उलना आया है। और अभी हम लोग फाइनली आ गए वो मेला, आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है। और ये बच्चे लोगों का खेलने के लिए जंपिंग है। अरे इधर बहुत मस्ती कर रहा है बच्चे लोग। और आयुष को भी अभी झुलाऊंगा इस पर, क्योंकि आयुष भी बोल रहा है कि मिक्की माउस, वो मिक्की माउस है और ये जंपिंग है, क्योंकि दोनों पे वो चढ़ने के लिए मांग रहा है। और इधर नौका उका है फ्रेंड्स, देखो। और देखो फ्रेंड्स, ये आयुष बहुत मस्ती पे है। देखो ये बोल रहा है कि मैं जंपिंग पे जाऊंगा और मिक्की माउस में जाऊंगा, वो वाला मिक्की माउस में जाएगा बोल रहा है। इसको पहले इसको जंपिंग में झुलाऊंगा, उसके बाद फिर वो मिक्की माउस में लेके जाऊंगा। देखो फ्रेंड्स, ये आयुष अंदर चला गया, ये बच्चा लग गया। फ्रेंड्स, बच्चे का जो खुशी है ना, इसी से मालूम गिरता है उन लोगों का अंदर कितना खुशी है। और देखो फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जब छोटा था उस टाइम हम लोग को इस ऐसा फैसिलिटी नहीं मिला था। और अभी देखो फ्रेंड्स, क्योंकि पहले में उतना ऐसा चालू नहीं था ना, और क्योंकि वो जो बड़ा बड़ा मेला होता था उधर ही सब ये सब मिलता था। लेकिन अभी जो गाँव में और जो विलेज में जो मेला वाला होता है वो सब भी इधर अभी मिल जाता है, इसीलिए बच्चे लोगों को सब कुछ मिल जाता है अपना जो शौक पूरा करने का है। देखो फ्रेंड्स, क्योंकि आयुष झूल रहा है और बहुत सारा बच्चा भी झूल रहा है इधर,
देखो इन लोगों का कितना खुशी है और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि ये अपना आयु इससे झूल रहा है ना, उसका जो खुशी जो जाहिर है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और आप लोगों को कैसा लग रहा है फ्रेंड्स बताओ मुझे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे सुनना बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे बताना, ठीक है। और आइस को देखो क्योंकि ये लोग बहुत जोर जोर से जंपिंग कर रहा है ना, इसलिए उसको खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है। और देखो क्योंकि ये छोटा बच्चा है ना अभी, इसीलिए वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है। और उनसे ये लोग बहुत बड़ा है और ये लोग ज़्यादा झुला रहा है, उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है अभी। और देखो कैसा वो गिर जा रहा है। ये झूलना सिस्टम है नौका, क्योंकि ये नौका मॉडल है लेकिन इस पर भी झूलता है सब आदमी लोग। और देखो फ्रेंड्स कैसे वो झूलना झूल रहा है इधर। और ये वाला देखो सामने फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ना ये चरखी है। और आइस को इस पर नहीं झुलाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा जोर से घूमेगा ना तो उस टाइम फिर उसका जो अंदर का जो फीलिंग्स है वो अलग हो जाता है ना, इसीलिए उसको नहीं झुलाऊंगा। और मैं तो इस पर कभी चढ़ा भी नहीं हूँ इसीलिए मैं भी नहीं जाऊँगा उस पर चढ़ने के लिए। ऊपर देखो फ्रेंड्स ये आई ऊपर है, आएगा ऊपर से नीचे तो बेटा जाना है। आयुष उधर है, और कैसे आ रहे नीचे देखा, सड़क गया और ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि इससे मालूम कि ये बच्चे का जो खुशी है ना जाहिर होता है तो बहुत अच्छा लगता है यार। टाइम पे ये सब नहीं मिला है और अपना बच्चे के टाइम पे मिल रहा है ना, तो बच्चे का खुशी और मेरा बचपन का जो याद है वो दोनों बराबर हो गया अभी, क्योंकि मेरा बचपन में ये सब नहीं मिला है लेकिन अपना बच्चे का टाइम पे ये सब मिल रहा है ना, तो उसका खुशी मेरा खुशी सेम है। मुझे नहीं मिला लेकिन अपना बच्चे को तो मिल रहा है ना ये सब खुशी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स देखो। और ये आयुष अभी झूल रहे हैं ऊपर, मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत खुशी लग रहा है फ्रेंड्स देखो। आगे भी गाना वाना भी हो रहा है, आप लोगों को लेके जाऊंगा मैं उधर, क्योंकि इधर भीड़ भड़क कर है अभी, तो अभी मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को उधर मेले के अंदर। और उधर गाना वाना हो रहा है उसको भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और मेला ख़त्म भी है और कल 23 तारीख का एग्जाम भी है फिर ये 10th क्लास का, इसीलिए आज मेला ख़त्म हो जाएगा। आज पूरा दिन गाना वाना होएगा, उसके बाद शाम होने के टाइम पर ये मेला ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए आज पूरा मेला बहुत भीड़ भड़क कर है अभी। अपना जो खुशी है ना दूसरे के साथ मिलाओगे तो फिर नहीं मिलने वाला है, कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो तो सब कुछ अपना पैसे का जोर से सब कुछ कर लेता है, और मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपना ठीक टाइम से नहीं कर पाता हूँ। तो अपना खुशी जब होता है उसी टाइम अपना पूरा करने का कोशिश करो फ्रेंड्स, और मैं वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जब होता है तो उसी टाइम में खुशी अपना जो है उसका पूरा करने का कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे के साथ मिलाओगे तो नहीं मिलने वाला है। और इस
दूसरे के साथ मिलाना भी नहीं चाहिए कभी। मेरा खुशी उसका खुशी एक बराबर नहीं होने वाला है, और उनके साथ मिलाओगे तो फिर अपना बहुत नुकसान है। और मैं किसी के साथ अपना एडजस्ट नहीं करता हूँ, जो जिस टाइम मेरा होता है उसी टाइम मैं अपना खुशी जाहिर करने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये मेला तो 3-4 दिन से हो रहा है, लेकिन मैं अब आज ही आया हूँ क्योंकि मेरे पास जो ताकत है मैं आज मेरे पास हुआ है, इसलिए मैं आयुष को लेकर आया हूँ इधर मेला घुमाने के लिए। अभी आयुष उधर बहुत मस्ती कर रहा है, और तू देख रहा हो ना मुझे बहुत अच्छा लगा खेल रहा है। अभी देखो ये आयुष ऊपर जा रहा है। और फ्रेंड्स मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, आयुष का जो जितना भी खुशी जो भी शौक है उसको पूरा करने का मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो सपना है ना उसको मैं मिट्टी नहीं दूंगा, और उसको मैं बहुत हौसला दूंगा। अगर वो ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो मैं पीछे कभी भी नहीं हटूंगा, वो जो भी करना चाहता है अगर अच्छा काम होएगा तो मैं उसको पूरा सपोर्ट करूँगा, और इसीलिए मैं उसको जो भी वो उसका शौक है मैं पूरा करने का भरपूर कोशिश करता हूँ मैं। और देखो फ्रेंड्स क्योंकि अपना बचपन में ये सब नहीं मिला था मुझे हम लोगों को, और हम लोगों का पहले का से लेके अभी तक का जो भी ज़िंदगी है बहुत अच्छा नहीं है, और गरीबी होने के कारण हम लोग का जो सपना है ना वो पीछे ही सही, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा करता हूँ फ्रेंड्स। इसलिए मैं किसी के साथ मिलाता नहीं हूँ क्योंकि उनका खुशी अलग है मेरा खुशी अलग है, अगर उनके साथ मैं मिलाने जाऊँगा तो फिर नुकसान ही नुकसान है, इसलिए मैं किसी के साथ नहीं मिलाता हूँ। अपना जब होता है मैं उसी टाइम अपना खुशी जाहिर करता हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि ज़िंदगी में जीने के लिए किसी का ना किसी का तो सपोर्ट चाहिए, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स प्लीज़ इतना सा तो आप लोग कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट शेयर और लाइक करना फ्रेंड्स, और ज़रूर से ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को और भी बहुत कुछ दिखाना है। और चलो फिर आगे आप लोगों को दिखाता हूँ मेला पूरा घुमाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगा ठीक है। चलो फिर आप लोग बात करो, देखो पूरा मेला। चला सर अरे यार इसका अभी इसका पुतला खत्म हो गया ना ना मत ना घर अभी 10 रुपये दे दिया, इसको उतने के लिए 10 रुपये लिया और अभी 10 रुपये दे दिया, और अभी वो उधर जाने के लिए देखो फ्रेंड्स कैसा गाना इंचरा कर रहे हो। और अभी ये नौका में बिठाया हुआ है इसको कि वो इसी ने टान के लेके आया मुझे, और अभी उधर नौका में वो बैठा है झूलने के लिए, और बहुत सारा बच्चा है अभी देखो फ्रेंड्स, क्योंकि ये बच्चा लेने के लिए ही बना है ये नौका, और अभी झुलाने का काम चालू करेगा, और अभी देखो कैसा इधर से इधर ऐसा ऐसा झूलता रहेगा वो, ये बहुत ऊँचा तक भी जाता है ऐसा ऐसा करता है। अभी देखो झूलना झुलाने के लिए स्टार्ट कर दिया है, अभी वो आयुष वो है बीचा बीच में है क्योंकि अभी इसको इधर ओर में नहीं बिठाया हो, क्योंकि ऊपर तक जाता है ना उसको तो डर लगेगा, मिडिल में रहेगा वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा। देखो फ्रेंड अभी झुलने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है, और उधर वो बीच में है आयुष वो देख सकते हो फ्रेंड्स, जो ग्रीन टी शर्ट है ना वो आयुष है। क्योंकि अभी ये जोर जोर से अभी खींचना चालू कर दिया है देखो, और वो खींच रहा है देखो कैसा, ये बहुत स्पीड होएगा अभी इसलिए वो देखो कैसा वो लड़का भी उधर जंप कर दिया,
ये रस्सी बहुत जोर जोर से खींच रहा है और ये स्टार्ट हो गया है। देखो फ्रेंड्स ये कितना ऊंचा उठ रहा है, क्योंकि ये साइड और ये साइड मिडिल सही है और आइस को मिडिल में बैठाया हूँ मैं। और इधर ही आगे गाना हो रहा है अभी, क्योंकि उधर बहुत भीड़ है और आप लोगों को उधर ही लेके जा रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी गाना हो रहा है उधर, कि बजना उजना भी बज रहा है ना और बहुत भीड़ है अंदर। और फ्रेंड्स ये गाना हम लोग का इधर बहुत होता था लेकिन अभी बहुत कम गया है। और फिर भी शिव यात्रा में फिर मंगलवीर गाना कराता है, बस यही गाना हो रहा है अभी और बाकी सब गाना अभी नहीं करवा रहा है अभी। और बहुत गाना भी कम गया है लोग और ये सिर्फ मंगलगिरी का जो गोसाई हाट जो है सिर्फ यही जगह पे गाना होता है शिवरात्रि का खुशी में, और नहीं तो सब गाना बंद हो गया है। क्योंकि जैसा जैसा जमाना बदल रहा है ना वैसे आदमी का सोच भी बदल रहा है, इसीलिए सब आदमी लोग अपना अपना जो इलाके में गाना होता था वो करना बंद कर दिया है। और देखो अभी इसी भी इधर हो रहा है और बहुत सारे आदमी का भीड़ भक्कर है अभी इधर। इधर ये मंदिर है और इधर में मंदिर में भी बहुत सारा लाइट वीट लगवा दिया है फ्रेंड्स, देखो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। इधर भी लाइट वीट है क्योंकि ये लाइटिंग के वजह से पूरा मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। और
अच्छा लगा क्योंकि प्रशासन भी है इधर, पुलिस पुलिस का पूरा भी इधर का पूरा बंदोबस्त है पुलिस का, बहुत अच्छा लगा ये देख के। लंबा हो गया है, हम लोगों से माफी मांग रहा हूँ कि वो सब दिखाना था ना, और गाना वाना भी हो रहा था उधर, तो जरूर बताना मुझे इधर हम लोग का जो मेला है गांव में जो मेला बैठता है कैसा लगा आप लोगों को, जरूर कमेंट में बताना। चलो फिर दूसरा वीडियो में फिर मिलूंगा, बातें करूंगा, और आप सब लोगों को तब तक के लिए मेरे तरफ से नमस्कार फ्रेंड्स।